के लिए अच्छी खबर है, स्कूल में रिक्त पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती, वही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए की जाएगी नियुक्ति। सीएम राइस स्कूल में भी खाली पदों पर होंगी नियुक्तियां, लोक शिक्षण ने जारी किया है ये निर्देश। हम आपको बता दें शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जहां पर भी पद खाली है वहां पर भर्ती किए जाएंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश लगातार जुड़े हुए, आकाश जानकारी दे पूरी। देखिए जो अतिथि शिक्षक हैं और जो स्कूल में पद खाली हैं उन पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंध में आदेश जारी किए, लोक शिक्षण संचालने की ओर से आदेश जारी किया गया कि जो स्कूल में समितियां बनाई गई हैं वो अपने अनुसार जो अतिथि शिक्षक के पोर्टल्स हैं उन पर सभी रिक्त पदों को शो करें और इन सभी रिक्त पदों पर जो है अतिथि शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। न सिर्फ सामान्य स्कूलों में बल्कि सीएम राइज स्कूलों में भी जो पद अब तक रिक्त रह गए हैं उन पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। एक शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्ति की जाएगी, अमूमन हर सत्र में प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऐसे में जो अतिथि शिक्षक लंबे वक्त से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में पढ़ाने का मौका इस नए सत्र से मिल सकता है। बिल्कुल आकाश, ये बताएगा कि कितने जो अभी पद है वो फिलहाल के लिए खाली है, कितने जो शिक्षक है वो अप्लाई करेंगे, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए जो अलग अलग शालाएं हैं उनको अपने यहाँ खाली पदों की जानकारी पहले अपलोड करनी होगी। इस अपडेशन के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस विद्यालय में कितने पद खाली हैं और उसी विद्यालय के अनुसार वहाँ पर नियुक्तियाँ वो विद्यालय की समिति करेंगी। जहाँ पर पुरानी समिति है वहाँ पर वो पुरानी समिति गठन करेगी। इसके साथ ही पुराने चयनित शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला भी इसमें दिया गया है कि जो बीते साल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके अनुसार इस मामले पर फैसला स्कूल्स ले सकेंगे।